हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन की पाठशाला। ये वीडियो में आप देखेंगे फार्म बिल जो न्यू एक्ट बना है जिसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, तो कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा इस वीडियो में। तो आई होप आप ये वीडियो को पूरी एंड तक देखेंगे तभी आप जान पाएंगे, या फिर आप रीड भी कर सकते हैं। ये जो एक्ट है ऑनलाइन अवेलेबल है PDF फॉर्म में, तो आपको पूरी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। और आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, तो मैंने पूरी जानकारी इस पर अवेलेबल करके दे दी है। इस बिल को लेकर देखो बहुत सारे कन्फ्यूजन है फार्म बिल को, जितने प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ उदाहरण के लिए। जैसे कोई कहता है कि ये जो पार्टी है इतनी बुरी है, किसान के विरोध में है, किसान की बातों को नहीं मान रही है, या फिर कोई कहता है कि किसी को लग ही नहीं रहा है कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसान है भी या नहीं है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये जो एक्ट है पूरे देश के लिए तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के राज्यों से क्यों इसका विरोध हो रहा है, बाकी के राज्यों से क्यों नहीं हो रहा है। और कोई ये कहता है कि ये जो बिल या फिर जिस प्रोसीजर से इसको पास किया गया है वो संवैधानिक ही नहीं है, उसको लेके हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करेंगे तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम एक एक करके देखेंगे। अब तो ये इश्यू जो है पॉलिटिकल बन ही गया है। जैसे इसमें अगर हम देखेंगे, शिवसेना जो पार्टी है वो लोकसभा में एग्रीड थी इस बिल को लेके, जैसे ही राज्यसभा में आया तो वहाँ पे वॉकआउट कर लिए। सेम गोज़ टू NCP। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे अगर हम देखेंगे, BJP जब सरकार में नहीं थी तब कुछ ऐसे प्रावधान थे जब उसका उस टाइम पे वो विरोध कर रहे थे, और अब सरकार में तो खुद एक्ट बना रहे। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है, एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग से जब देश आज़ाद हुआ था तब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बात क्या है। और ये उन लोग के लिए भी ज़रूरी है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनमें से कई लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। जैसे आजू बाजू सुन लिया कि जो मोदी सरकार है वो किसान के विरोध में है, वो ऐसे एक्ट लेके आई है जो ऐसे ऐसे चीज़ें हो जाएंगी। अब समझेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी जैसे जैसे आप वीडियो में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो बात है 2016 की। एक स्पीच हुई थी बरेली में जब मोदी जी ने कहा था, वो अनाउंस किया था, इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि हम 2022 तक जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल कर देंगे। एंड सेम उन्होंने रिपीट किया था, अगर आप गौर से सुने रहेंगे, इंडिपेंडेंस डे जो स्पीच होती है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, मोदी जी ने स्पीच दी थी उसमें भी इन्होंने जिक्र किया था कि हम फार्मर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे, या फिर उनको फोर्स नहीं करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे तो ताकि फार्मर सामने आए, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज कर सकें, सेल कर सकें आउट ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है वो भी हम देखेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान, और इसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसान को पिछले दिनों हमने देखा है, एक के बाद एक रिफॉर्म आजादी के इतने सालों के बाद किए गए हैं। किसान को तमाम बंधनों से मुक्त करना हो वो काम हमने कर दिया है। आप सोच नहीं सकते होंगे, हमारे देश में आप अगर साबुन बनाते हैं हिंदुस्तान के कुछ में कोने में जाके साबुन बेच सकते हैं, आप अगर कपड़ा बनाते हैं हिंदुस्तान के किसी कोने में जाके कपड़ा बेच सकते हैं, आप चीनी बनाएं आप चीनी बेच सकते हैं। लेकिन मेरा किसान, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था न वो अपनी मर्जी से बेच सकता था, न अपनी मर्जी से जहां बेचना चाहता था वहां बेच सकता था, उसके लिए जो दायरा तय किया था वहीं बेचना पड़ता था। उस सारे बंधनों को हमने खत्म कर दिया है। अब हिंदुस्तान का किसान उस आजादी की सांस को ले पाएगा ताकि वो हिंदुस्तान के किसी में भी, दुनिया के किसी भी कोने में अपना माल बेचना चाहता है वो अपने टर्म्स पर बेच पाएगा। इस बात को हमने किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक वैकल्पिक चीजों को भी बल दिया है। उसके किसानी में इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, सोलार पंप उसको डीजल पंप से मुक्ति कैसे दिला दे, अन्नदाता ऊर्जादाता कैसे बने, मधुमक्खी पालन हो, फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, ऐसे अनेक चीजें उसके साथ जुड़ जाएं ताकि उसकी आय दोगुना हो जाए। उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। 2016 में कमेटी बैठी थी जिसका नाम था दलवाई कमेटी, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया था कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल कर देंगे। और ये जो डबल इनकम करेंगे वो उन्होंने जो अपने पोस्ट है, लाइक जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, उन्होंने पोस्ट में भी कहा था। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% 73% इंक्रीज़ होगा एज़ कम्पेयर टू 2013-14 में जो था, 2020 और 21 में इतना होगा। और अगर हम BJP का पोस्ट देखते हैं तो वो तो बात करते हैं 2021-22 तक ये सारी चीज़ें होंगी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बता रही है 2021-20 और 21 में। तो इसमें भी कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इस फार्म बिल को अच्छे समझने के लिए
मैंने इसे फोर पार्ट में डिवाइड किया है। पहले तो ये जो लोग कह दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं है, तो हम प्रोसीजर एक देखेंगे, क्योंकि लॉकडाउन था उस टाइम पे ये बिल को पास किया, इतनी क्या इमरजेंसी थी इसको पास करने के लिए, तो उसको समझेंगे। फिर जो एक एक एक्ट है, जैसे एक्ट वन जो है एपीएमसी के बारे में, उसे हम समझेंगे एपीएमसी होता क्या है। एक्ट टू जो है वो एमएसपी के बारे में है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है एमएसपी के बारे में, या फिर एमएसपी पता ही नहीं क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई एक्ट टू में। और एक्ट थ्री में हम देखेंगे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, इसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। ये एक अमेंडमेंट है जो 1955 में नेहरू जी ने किया था, ठीक है। तो 1955 में भी इस एक्ट के लिए कुछ किया गया था, उसमें कुछ चेंजेस लाए मोदी जी ने, देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल की। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल को अगर इस टॉपिक को समझने के लिए, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो इसका कंटेंट या फिर जो बिल है या जो एक्ट है इसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो संवैधानिक रूप से मायने रखती हैं या नहीं रखती, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कुछ इसमें ऐसा लिखा है जो कानून का उल्लंघन, कुछ आर्टिकल्स का उल्लंघन किया जा रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो वहीं पे वो कैंसिल हो जाएगा, वो बिल को वहीं पे पास नहीं किया जाएगा या फिर उसको रद्द कर देंगे। तो हम देखते हैं, पहला हम बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में कि इसमें जो चीज़ें लिखी है क्या वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है। तो कहीं पे भी ऐसा सुनने में नहीं आया, तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो कहीं नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये बिल या फिर ये जो एक्ट है संविधान के विरोध में है, तो ऐसा भी कहीं सुनने में नहीं आया। अगर हम थर्ड बात करते हैं फेडरलिज्म, फेडरलिज्म होता है जो स्टेट एंड सेंटर की पावर डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसको एक लेके मुद्दा है, और एक और है जो फोर्थ है, स्टेट लेजिस्लेटिव पावर। स्टेट लेजिस्लेटिव पावर यानी देखो, अगर हम देखेंगे जो फार्म बिल है ये है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का पावर है। इसमें जो बिल बनाया गया है वो स्टेट ने नहीं बनाया, किसने बनाया, सेंटर ने। तो हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है, कुछ आर्टिकल्स हैं जो सेंटर को भी पावर देता है। जैसे अगर हम देखेंगे कि अगर सेंटर और स्टेट में अगर कभी डिस्प्यूट होता है किसी मुद्दे पर, तो प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, वो आर्टिकल 254 बताता है। अगर ऐसे कभी डिस्प्यूट होता है तो सेंटर को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा अगेंस्ट द स्टेट, ओके। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो लिखी गई है सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट में, और कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ पे, आर्टिकल 264। तो 264 में अगर हम देखेंगे तीन लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या कहता है, दैट इज़ अबाउट सेंटर, और स्टेट लिस्ट स्टेट के बारे में। कॉन्करेंट लिस्ट में दो चीज़ें हैं, एक है स्टेट और एक है सेंटर। तो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और सेंटर मिलके काम कर सकते हैं, अगर उनके बीच में कभी डिस्प्यूट होता है तो किसको प्रायोरिटी दे दिया जाएगा, आर्टिकल 254 कहता है सेंटर को प्रायोरिटी मिलेगा। अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव पावर में अगर हम देखें सेवन शेड्यूल, जिसमें एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स सिर्फ राज्यों के अंदर, प्रोडक्ट सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फार्म गुड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट को पावर देती है। लेकिन यहाँ पे ये जो सारी चीज़ों को इंटरफेयर किसने किया है, सेंटर ने किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या बताएगा, आर्टिकल 254 से सेंटर को हम प्रायोरिटी देते हैं ये सारी चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि स्टेट और सेंटर के बीच में एक झगड़ा अगर देखा जाए, जो लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो वहाँ पे भी सेंटर जीत रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर को लेके, प्रोसीजर यानी जिस प्रक्रिया से इसे पास किया गया, इस बिल को जो तीन एक्ट हैं उसे जब पास किया गया, वो जो प्रक्रिया थी संसद की, उसके बारे में हम देखते हैं क्या वो संवैधानिक थी या नहीं थी, ठीक है, सही था या गलत था, उसको जानने की कोशिश करते हैं, या फिर उसमें क्या गलत था वो भी हम देखते हैं। देखो जब ये पास किया गया जो तारीख थी वो थी 20 सितंबर, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म था। वैसे तो हम देखा जाए तो अभी कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन था, ठीक है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी सरकार को जो इतना ज़रूरी बिल है उसे ऐसे पारित कर दिया एक ऑर्डिनेंस के रूप में, और फिर प्रेसिडेंट का मुहर लगा के उसे एक एक्ट बना दिया है, उसी को लेके सारा हंगामा किया जा रहा है। तो जैसे अभी कोई पार्लियामेंट बैठक होती नहीं है, तो एक ऑर्डिनेंस होता है जो प्रेसिडेंट के परमिशन से एक लॉ बना दिया जाता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट इशू हो तो देश को लेके। तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 तारीख को, 5 जून को एक तीन एक्ट लेके आई जिसे लागू कर दिया एक ऑर्डिनेंस के फॉर्म में, और जब संसद चालू होगा उसके 6 वीक के अंदर उनको क्या करना पड़ता है, इस बिल को पास कराना पड़ता है अगर उसको कानून बनाना है तो, मतलब प्रेसिडेंट के मुहर के बाद भी इनको 6 वीक का टाइम मिलता है जब संसद चालू होगा, उस बीच में इसको पास कराना पड़ता है। अगर वो फेल हो गए इसको पास कराने में तो जो तीनों एक्ट है वो रद्द हो जाएंगे। तो सरकार के ऊपर मजबूरी है तो उनको पास तो कराना ही, कैसे तो मनाना है, ठीक है, विरोध तो किया जा रहा है, अगर सरकार मान ली तो अच्छी बात है। देखो तो होता क्या है, तो अब उसके बाद जब ये ऑर्डिनेंस पास हो गया, जब इसका विरोध हो रहा है, तो एक मानसून सेशन बैठाया गया, पार्लियामेंट का बैठक हुई 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। तो ये शेड्यूल चालू किया गया कब से, 14 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में। तो ये जो बिल है
उसे पास करना था इस मॉनसून सेशन के अंदर ही, क्योंकि 6 वीक के अंदर ही करना है उसको। देखो लोकसभा में जब ये पास हुआ उस टाइम पे मेजोरिटी थी इनके पास, क्योंकि 543, और राज्यसभा में 20 सितंबर को पास किया गया। अब कैसे पास हुआ, देखो 242 सीट है उसमें से 122 सपोर्ट चाहिए इनके पास। शिवसेना तो जो है वो लोकसभा में जो एग्री हो गई थी एनसीपी बीजू जनता दल, लेकिन राज्यसभा में क्या क्या इन्होंने आउट कर दिया। ठीक है, तो अपोजिशन ने क्या कहा इसको, आप लोग इसको पास मत करो, मतलब बीजेपी को इन्होंने कहा सरकार को कि जो एक्ट, ये जो बिल है इसे पास मत करो, इसे कमेटी बनाओ, कमेटी को दे दो, वो इसको देखेगी क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन सेंटर के पास इतना टाइम नहीं है, 6 वीक निकल जाएगा अगर वो कमेटी बिठाते रह गई। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हम जो कमेटी है उसे नहीं बनाएंगे, आप मेजोरिटी देखते हैं, वॉइस मेजोरिटी एक होता है, वॉइस से स्पीकर रहता है वो देख लेता है कि किसकी मेजोरिटी है किसकी मेजोरिटी नहीं है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो समझ के एक दूसरे को समझा के वो बिल को पास कर देते हैं। तो अपोजिशन ये कहते हैं कि उस टाइम पे मेजोरिटी नहीं थी फिर भी सरकार जो है वो विन हो गई, तो उसको लेके ये पूरा हंगामा है। तो वो कहते हैं कि अपोजिशन कहती है कि हमारे साथ चीट हुआ है क्योंकि मेजोरिटी नहीं थी फिर भी ये जो बिल है वो पास कर दिया गया संसद से, तो उस तरह से संवैधानिक है नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, वो इसको लेके कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट इसमें क्या इंटरफेयर करेगा। अगर आप देखोगे आर्टिकल 122 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये कहता है कि इस संसद की जो प्रक्रिया है जिस तरह से इसे पास किया गया ये सब, तो आर्टिकल 122 ये कहता है कि इसमें कोई भी जुडिशरी जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, नो इंटरफेयर इन पार्लियामेंट प्रोसेस। तो दूसरा चारा क्या है, दूसरा चारा ये है कि एक जॉइंट सिटिंग बिठा सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा के जितने एमपी हैं एक साथ बैठेंगे, अगर हम दोनों काउंट कर लेंगे तो लोकसभा में 543 है एंड राज्यसभा में 242 है, दोनों को प्लस करेंगे 785, इसका अगर हाफ करेंगे हम तो 393 होता है। अगर सेंटर को पास कराना है तो 393 सपोर्ट चाहिए, लेकिन उनके पास खुद एमपीज़ जो हैं वो 400 प्लस है, तो वो वैसे ही जीत सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्टेट और सेंटर का जो डिस्प्यूट देखेंगे तो उसमें भी जीत सकते हैं वो, कौन से आर्टिकल से, 254 से। और ऐसे ही एक अमेंडमेंट किया गया था 1955 में नेहरू जी द्वारा कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री 33, जो ये पावर देती है सेंटर को कि वो एक एक्ट में चेंजेस कर सकते हैं जो स्टेट के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, जब 1955 में नेहरू जी ने चेंजेस किया था एक एक्ट में जिसका नाम था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, वो एक फेमस है थर्ड अमेंडमेंट करके भी, अगर आप देखेंगे विकीपीडिया पे। तो ये क्या कहता है कि अगर स्टेट के पास कुछ ऐसे पावर्स हैं जब लाइक एग्रीकल्चर को लेके, जो फार्मर्स को या फिर कुछ ऐसी पावर उनको दे अगर स्टेट के पास है जो उसका वो उल्लंघन कर रहे हैं, उसको टैक्सेस लगा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो उसको सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, नीड टू गिव पावर फ्रॉम स्टेट टू सेंटर फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर। ये एक एग्जांपल सेट हो गया था कब, 1955 में, जब कॉन्करेंट लिस्ट में 33 एंट्री नंबर में थर्ड अमेंडमेंट किया गया। अब हम देखते हैं ये जो एक्ट है उसके नाम देखने की कोशिश करते हैं। जो पहला एक्ट है उसका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 APMC एक्ट। अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 APMC अधिनियम। एक्ट 2 अगर हम देखेंगे तो एक्ट 2 का नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 MSP या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 का किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता। एक्ट 3 जो है वो क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 आवश्यक वस्तु संशोधन है, ये अमेंडमेंट है। क्यों, क्योंकि 1955 में ये जो एक्ट बनाया गया था, 1955 में क्या एक्ट था, नेहरू जी ने जो चेंजेस किए गए थे, स्टेट से पावर दिया गया था सेंटर को फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आल्सो। ठीक है, तो उसी में कुछ नया अमेंडमेंट है वो हम देखेंगे। तो पहले एक्ट की बात करते हैं हम, जिसका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। देखो ये बहुत बड़ा नाम है, इसको हम ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। तो इसको तीन पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला है जो है फार्मर्स प्रोड्यूस मतलब क्या, जो फार्मर चीज़ें प्रोड्यूस करता है, जैसे वेजिटेबल हो गया, फिश, मिल्क प्रोडक्ट, पोल्ट्री, पल्सेस, ऑयल, एनिमल हस्बेंड्री। और सेकेंड चीज़ें जो है ट्रेड एंड कॉमर्स में, तो ट्रेड का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेड में जैसे कोई चीज़ें हैं जो हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, एक बिजनेस टाइप वो होता है ट्रेड। और इसके लिए जो चीज़ें लगती है तो वो हो जाता है कॉमर्स, जैसे पॉलीथीन बैग्स, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़, जूट बैग, ठीक है, गोनीज़ वगैरह, बोरी अगर देख रहे आप रेशन कार्ड रेशन ऑफिस में वहाँ पे वैसे, तो ये होता है कॉमर्स। और थर्ड जो होता है इसको अगर हम डिवाइड करेंगे पूरे नाम को, वो होता है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन में प्रमोट क्या करना है, जो फार्मर्स के प्रोडक्ट हैं उसको प्रमोट करना है प्लेटफॉर्म पे, फैसिलिटेशन या फिर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके देना है फार्मर्स को टू मेक दी प्रॉफिट। अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये बिल को लाने का। तो ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, ट्रेड एरिया
पहला अगर हम देखेंगे ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी, एपीएमसी क्या है उसका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसको डिटेल में हम समझेंगे थोड़ी देर में, पहले थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं बिल का क्या है। तो ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी का मतलब होता है कि फार्मर्स को चॉइस देना कि वो एपीएमसी से बाहर भी सेल आउट कर सके। अब एपीएमसी पूरा डिटेल में समझेंगे। फिर सेकेंड जो है नो स्टेट पावर, मतलब स्टेट जो है इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर कल कोई एक्ट पास हो गया तो बिल स्टेट क्या करेगी, इसको कैंसिल करने के लिए बहुत सारे टैक्सेस लगा देगी। तो फार्मर्स बोलेंगे इस पर तो वैसे ही टैक्सेस लग रहे, पहले हम जहाँ से ले रहे थे बेच रहे थे वहीं पर काम करते हैं, ये फुकड़ में कानून पास कर दिया, तो इसमें से स्टेट की पावर को थोड़ा सा हटा दिया गया है। ठीक है, और थर्ड चीज़ें जो हैं प्रमोट करना, प्रमोट अभी बताया मैंने, एक प्लेटफॉर्म देना, जैसे कोई ऑनलाइन चीज़ें हैं ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी रिसेंट में जितने भी नेशनल एग्रीकल्चर एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना है, वेबसाइट जितने भी एपीएमसीज हैं उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, तो उसमें क्या होगा वो रेटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं खुद का, जैसे अमेजोन जो है वो ग्रोसरीज प्रोडक्ट्स वगैरह बेचता है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है, तो क्यों ना हमें एक ऐसा वेबसाइट बनाए जिसमें फार्मर्स जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकें उस ऐप पर। और ऐसे प्रमोट करने से, ऑनलाइन करने से जो स्टेट टैक्सेस है उससे भी वो बच सकते हैं, तो उसमें कोई स्टेट टैक्स लगेगा नहीं तो टैक्स फ्री होगा टोटल, तो एक वन नेशन वन मार्केट जैसा ये हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टैक्स फ्री स्टेट, वो मैंने बता दिया है। फिर फिफ्थ हम बात करेंगे इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं फूड प्रोसेसिंग वाले यूनिट्स हैं वो, लगे जैसे किसी को जो है अचार बनाती है जो कंपनी, वो डायरेक्ट फार्मर से अचार वगैरह ले सकती हैं। ठीक है, आम्स वगैरह ले सकते हैं, अचार नहीं आम ले सकते हैं। या फिर अगर हम देखेंगे फार्मर्स जो हैं उनको पता है कि जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसकी असली कीमत दूसरे स्टेट में है यहाँ पे, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट वो डायरेक्ट सेल एंड परचेज कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करेंगे दूसरा जो है, तो इस तरह से बहुत सारे अगर हमारे पास देखेंगे बहुत सारे फार्मर्स मिलके कुछ ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्म गेट एक वो होता है, जैसे अभी फार्मर्स हैं तो एक प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसी के आसपास में एक यूनिट लगा सकते हैं, कलेक्शन सेंटर हम बना सकते हैं जहाँ पे जो चीज़ें फार्मर्स आके वहीं पे सेल कर सकते हैं उसको। तो एक छोटे स्केल पे जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जिनको पता नहीं होता है मंडी क्या होती है ये क्या होता है, वो नियर के जो बाज़ार है वहीं पे जाके बेच देते हैं, जो उनको रेट मिलता है वहीं से खुश हो जाते हैं। तो ऐसे हम कलेक्शन सेंटर बना सकते हैं जहाँ पर फार्मर्स जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। तो ये फार्म गेट एंड कोल्ड स्टोरेज, जो चीज़ें स्टोरेज होती हैं जैसे वीट राइस या फिर अदर चीज़ें जो हैं स्टोर होते हैं कोल्ड स्टोरेज में, वहाँ पर इसे स्टोर किया जा सकता है। तो ये है ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं जो कंपनीज़ हैं, जो इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, फार्म गेट जिसके हम बात किए, अगर दो बॉडीज़ के बीच में फार्मर्स ये जो दूसरी कंपनीज़ हैं तो उनके बीच में अगर कभी डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटलमेंट करने के लिए क्या प्रक्रिया इस बिल में बताई गई है। तो देखो, पहला स्टेप जो है अगर ऐसे डिस्प्यूट होता है तो ये दोनों पार्टीज़ जाएंगे एसडीएम के पास में, और एसडीएम क्या करेगा, एक कमेटी बनाएगा, एक बोर्ड बनाएगा जिसमें दो दो मेंबर हो सकते हैं, दो मेंबर फार्मर्स के, दो मेंबर जो इंडस्ट्रीज़ के हैं उनके हो सकते हैं, उन दोनों के बीच में सहमति कराएगा, सुलह करवाएगा। तो एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो है वो बना के ऐसे दे सकते हैं, सहमति पत्र। अगर इससे बात नहीं बनती है तो एसडीएम खुद इसमें हस्तक्षेप करेगा, पूरे जाने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्रोसेस जानने के बाद वो 30 दिन में अपना निर्णय दे सकता है, कंक्लूजन जो है सॉल्यूशन जो है उसके बता सकता है। अगर फिर भी दोनों को संतुष्ट नहीं हुए इस पूरे प्रक्रिया से तो वो जा सकते हैं कलेक्टर के पास, और कलेक्टर क्या कर सकता है खुद, या तो फिर एक एडिशनल कलेक्टर जो है प्रोवाइड करके ये पूरे मामले को हल कर सकता है। मतलब इसमें जो है कोर्ट को इससे अलग रखा गया है, मतलब कोर्ट में कोर्ट जो फार्मर्स हैं वो कोर्ट के चक्कर ना लगाएं, उससे पैसे से बचे, टाइम से बचे, एडवोकेट करना पड़ता है, बहुत सारे झमेले होते हैं और केस चलते रहता है लंबे टाइम तक। वैसे ही इंडिया में जो कोर्ट है उनके पास बहुत सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग में है, तो एक बहुत जल्दी से ये केस निपट जाए, फार्मर्स का जो भी है इश्यू सॉल्व हो जाए, तो एक ऐसे सिंपल सा प्रोसेस बताया गया है अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। अब हम बात करते हैं एपीएमसी के बारे में, एपीएमसी होता है क्या उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये लाया गया, अगर हम देखेंगे क्यों लाया गया था, एपीएमसी है क्या, एपीएमसी का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये क्या करता है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म देता है फार्मर्स को जो अपनी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लाके जितने बड़े सेट होते हैं वो आके इनसे ख़रीद सकते हैं फार्मर से, और एक अच्छी कीमत मिल सकती है फार्मर को, और कहीं पे भी वो बेच नहीं सकते हैं। स्टेट क्या कहता है, आपको कंपलसरी एपीएमसी में ही बेचना है। ठीक है, अगर हम इसके बेनिफिट की बात करते हैं तो पहले क्या होता था, ज़मींदारी सिस्टम होती थी, बहुत सारे फार्मर्स जो है उतने अच्छे होते नहीं थे, मतलब उनकी जो इनकम है बहुत कम होती थी, अच्छे बैकग्राउंड से नहीं होते थे, फार्मर्स जो हैं बहुत ही पुअर होते थे, और जो भी प्रोड्यूस करते थे या फिर उन पर ज़मींदारी सिस्टम एक होता था, शोषण होता था पहले फार्मर्स का, जितने बड़े लोग होते थे सेठ होते थे वो अपने खेतों में उनसे काम करवाते थे और कीमत भी नहीं दी जाती थी, उन पर बहुत सारे कर लगा दिए जाते थे।
ठीक है, दो शोषण से बचाने के लिए एपीएमसी को लाया गया, मतलब एक शोषण से हटा के दूसरे शोषण में ढकेल दिया गया। तो अब हम देखते हैं एपीएमसी की बेनिफिट क्या है। जैसे इसमें क्या होता है, ऑक्शन हॉल होते हैं। ऑक्शन हॉल क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है तो उसकी वहाँ पर बोली लगाई जाती है, जैसे फार्मर कोई प्रोडक्ट लेके आया तो उसकी वहाँ पर कीमत तय की जाएगी और इसका एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है, तो उसको उस रेट में बेचा जाता है। एंड सेकेंड होता है इसमें रिटेल शॉप। रिटेल शॉप क्या होता है, जैसे कोई लोग हैं जहाँ पे अगर कुछ भंडारा हो रहा है, कोई आम लोग भी अगर कुछ जाके ख़रीदना चाहे तो वहाँ पे जाके एक अच्छे दाम में ख़रीद सकते हैं कम रेट में। एंड थर्ड जो है सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी, फार्मर्स को सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अपने खेतों के सॉइल की टेस्टिंग करा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, सेल एट एमएसपी। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट रेट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या करता है, गवर्नमेंट एक रेट डिसाइड करती है, मतलब अगर फार्मर किसान अपना प्रोडक्ट लेके जाके मंडी में बेचता है, अगर उसको उचित दाम नहीं मिलता है, मतलब वहाँ पे एजेंट्स हैं, सेठ साहूकार लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, अगर वो अपनी बोली लगाते हैं, जैसे फार्मर तो सोच के गया मेरे को अच्छे दाम मिल जाएंगे मेरी फसल के, 1900 रुपया कुंटल अगर वो सोच के गया है, लेकिन उसको सिर्फ मिल रहा है 1500 रुपये। तो इस पर क्या होता है, गवर्नमेंट के पास एक ऐसे कुछ बोर्ड होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि फार्मर्स को इतनी कीमत तो मिलनी ही चाहिए। तो एपीएमसी में एक होता है एमएसपी। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट रेट। ये डिसाइड करता है कि फार्मर्स के जो ओवरऑल खर्चे हैं, पहले एनालिसिस कर लिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा कि फार्मर्स की बुवाई की कीमत इतनी होगी, फर्टिलाइज़र जो उसको लगाया जाता है, सिंचाई किया जाता है, तो ओवरऑल उसकी जो कीमत है, फार्मर्स को जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसको एमएसपी यानी एक दाम मिलना चाहिए फिक्स रेट, ठीक है। जैसे वो बोल सकते हैं कि हम आपको 2000 रुपया प्रति क्विंटल देंगे, अगर आप गेहूँ बेचने आ रहे हो तो आपको 2000 रुपया मिलेगा एक क्विंटल पे। तो सपोज़ फार्मर को तो पता चल गया कि अब उनको 2000 रुपया एक क्विंटल पे मिलने वाला है, तो उससे कम तो कोई बेचेगा ही नहीं, क्योंकि 2000 तो है गवर्नमेंट खुद, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आपसे कोई एजेंट कोई सेठ 2000 से कम में ख़रीद रहा है तो आप उनको मत बेचिए, हम आपसे ले लेंगे 2000 में, एमएसपी हम आपको दे रहे हैं। मतलब गेहूं और चावल ये जो चीज़ें हैं इस पे एक एमएसपी डिसाइड कर ली जाती है, मतलब फार्मर को पहले ही पता चल जाता है कि मेरी आज के साल की, इस साल की जो फसल की जो कीमत है वो 2000 रुपये एक क्विंटल पे मिलने वाली है, अगर उससे अच्छा दाम मिलेगा तो वो मंडी में बेच देते हैं एपीएमसी में। और इसके लिए क्या होते हैं, बहुत सारे एजेंट होते हैं, फार्मर्स इतने अच्छे से आसानी से जाके थोड़ी बेच सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर इतने आसानी से होगी तो सब अच्छे हो जाएंगे। तो एपीएमसी में जब वो जाते हैं बेचने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। एजेंट क्या करते हैं कि लाओ हम आपको इतने दाम में दिला देंगे, ये कर देंगे, तो मिडल मैन होते हैं, तो उनको भी कुछ पैसा दिया जाता है फार्मर द्वारा कि मेरे, चलो मेरे पास इतने बहुत सारे, मैंने ट्रक भर के ये लेके आया है, इसको बेचा दो, मैं आपको कमीशन दे दूंगा। तो वो एजेंट क्या करते हैं, अच्छे सेठ से मिलवा के अच्छे एक दाम में बेच देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि किसान एक प्रोडक्ट बेचता है सपोज़ 1 लाख रुपये में, ठीक है, सेल करता है, तो कमीशन एजेंट क्या करेगा, उससे 2.5% कमीशन लेगा, मतलब 1 लाख पे उस पर उसको फार्मर्स को कितना देना पड़ा उस एजेंट को, 2500 रुपये, ठीक है। और यही नहीं कि मिडलमैन कुछ अच्छे भी काम करते हैं, अच्छे काम क्या करते हैं, जैसे मंडी में जब किसान आता है फर्स्ट टाइम तो उसको थोड़ी पता रहता है कि कहाँ पे क्या बेचना है, कहाँ पे उतारना है माल को, कैसे अंदर लेके जाना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ बोली होती है, इसके रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, पूरा प्रोसेस क्या है। तो एक प्रॉपर जो रिकॉर्ड होता है वो एजेंट जो है इन फार्मर्स को हेल्प करा के देते हैं कि आपको यहाँ उतारना है, ये करना है, ये सब चीज़ें करना है, बहुत सारे हेल्प करते हैं, और उस पर वो टैक्स भी लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि एजेंट जो है कमीशन लेता है। तो कितना कमीशन लेता है, 2.5% कमीशन पे करना पड़ता है फार्मर्स को। अब हम देखते हैं एपीएमसी में प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे यहाँ पे मोनोपोली होता है, मोनोपोली यानी एक कार्टेल बन जाता है, मतलब फिक्स रेट होता है, पहले से प्री डिसाइडेड होता है जो, और फार्मर्स के लिए एजेंट भी फिक्स होते हैं, एक बार अगर उनसे ख़रीदा तो बार बार उनसे ही कांटेक्ट करेंगे कि ये साल इसकी कीमत क्या है, मैं इतना ये बेचने आ रहा हूँ, आज बेचने आ रहा हूँ, कहाँ हूँ आप, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है एजेंट जो है हेल्प भी कराता है, लेकिन इसमें एक मोनोपोली हो जाती है, पहले से जो एजेंट्स हैं वो रेट डिसाइड कर लेते हैं, और जो इसमें एजेंट होते हैं उनको लाइसेंस भी दिया जाता है, ठीक है, सरकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है और एक्सपायर भी होता है, तो उसका प्रॉपर एक प्रोसेस होता है चेक करने का, कोई कहाँ पे ऐसे ही कोई लाइसेंस लेके कुछ मनमानी कॉस्ट तो नहीं ले रहा है, कुछ ये नहीं कर रहा है, और इसमें कोई लोग नया एंटर भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत सारी होती है, ठीक है। और इसमें मंडी तक पहुँचाने के लिए फार्मर्स को जो है एक्सपेंसेस भी बहुत लगते हैं, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक या दो ही एपीएमसीज होते हैं, तो फार्मर्स जो है बहुत दूर दराज से आते हैं एपीएमसी तक, क्योंकि और कहीं प्रोडक्ट वो बेच ही नहीं सकते, फार्मर जो भी प्रोड्यूस करता है स्टेट ने कंपलसरी बना के रखा है कहाँ पे बेचना है, एपीएमसी में ही बेचना है, तो उनको एक्सपेंसेस बहुत लग जाते हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत लग जाता है, लेके आना लेके जाना, तो ये हो गई प्रॉब्लम्स हो गई। जैसे अगर हम देख लेंगे कॉस्ट कितना लगता है, या फिर टैक्सेस कितने पे करने पड़ते हैं फार्मर्स को एपीएमसी में, अगर हम देखेंगे ट्रैवलिंग
ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो फार्मर्स को एपीएमसी में लाने के बाद जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे एक मार्केट फ़ी देना पड़ता है, हम मान लेते हैं 3% मार्केट फ़ी देते हैं। फिर रूरल डेवलपमेंट सेस लगता है उनको, वो भी 3% लगता है। अभी हमने देखा कमीशन एजेंट जो है उनको 2.5% देना पड़ता है। तो अगर हम इसको पूरा प्लस करते हैं तो ये जो टैक्स हो जाता है नियर अबाउट 8-10%। ठीक है, तो स्टेट क्या करती है, इसमें टैक्सेस लेते हैं 8-10%। मतलब जो भी प्रोडक्ट फार्मर्स लेके आ रहा है उसको क्या क्या करना है, टैक्स देना है। तो इस बिल में, ये एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लेके आया, जो पहला एक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि सेंटर जो है फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अपने जो प्रोडक्ट हैं वो सेल कर सकते हैं आउट ऑफ द APMC। ठीक है, तो APMC से बाहर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच सकते हैं जहाँ पर उनको उचित दाम मिल रहे हैं वहाँ पर, और उनको टैक्सेस भी नहीं लगेंगे इस पर। और क्या कर रहे हैं ये, साथ में स्टेट का पावर जो है वो भी कट कर रहे हैं। मतलब स्टेट पावर क्या कहती थी, स्टेट के पास जो पावर था वो कट कर रहे हैं, और स्टेट के पास जो पावर थी जैसे टैक्स लगाना, ये करना, वो करना, तो फार्मर्स को अब टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य बेच सकते हैं, जहाँ पर उनको कीमत अच्छी मिल रही है वहाँ बेच सकते हैं, ज़रूरी नहीं उनको APMC में ही बेचना है। इसी को लेकर 2003 में अगर हम देखेंगे कुछ साल पहले, तो रिफॉर्म्स किए गए थे। वो रिफॉर्म क्या थे, APMC में रिफॉर्म किया गया था 2003 में, और कुछ राज्य जो हैं ऑलरेडी अभी रिफॉर्म हो चुके हैं, फिर भी वो अभी तक तो विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनकी पार्टी क्या कर रही है, विरोध कर रही है। मतलब ये जो चीज़ें हैं 2003 से, कुछ साल पहले से लागू हो चुकी हैं। कुछ राज्य हम देखेंगे तो उसमें से कुछ राज्य जो हैं, जैसे महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है, दिल्ली है, ठीक है। और उस टाइम पर जो अटल बिहारी वाजपेयी PM थे देश के, और उनकी जो सरकार इतनी बहुमत में थी भी नहीं, तो एक मॉडल APMC एक्ट उन्होंने लेके आया था 2003 में, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था राज्यों से कि ये जो रिफॉर्म्स हैं आप प्लीज़ करिए, और जो वेजिटेबल्स हैं इसको हटा दीजिए, APMC से बाहर कर दो, एक मार्केट में खुले एरिया में प्राइवेट प्लेस दे दो उनको, वहाँ पे वो बेच सकते हैं, अच्छी कीमत फार्मर्स को मिल सकती है, ये रिक्वेस्ट किया था। और 15 राज्य जो इस पर एग्री हो गए थे, ठीक है, तो 2015-16 आने तक 15 राज्य इस पर एग्री हो गए थे, जिसमें से कर्नाटक है, बिहार है, बिहार में तो APMC ख़त्म भी हो गया है, मतलब वहाँ पर APMC को कंपल्शन रखा ही नहीं गया, फिर भी विरोध हो रहे हैं। बहुत कुछ साल पहले से ही APMC को हटा दिया गया है, फिर भी ये बिल में वही चीज़ों को लेके आई है, तो उसके लिए विरोध किया जा रहा है। देखते हैं, जैसे अभी हम देखेंगे महाराष्ट्र है, वेजिटेबल्स को हटा दिया गया APMC से, किसान जो है मंडी में जाके कहीं पे भी बेच सकता है जो अपने प्रोडक्ट्स है। तो कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक में 2 रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म है, और APMC में बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। किसान ऐसे हैं जिनके पास लैंड नहीं है, उनको सरकार दे सकती है, या फिर जिनके पास है वो बेच सकते हैं इंडस्ट्री को, तो ऐसे कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं। तमाम एतराज के बावजूद कर्नाटक सरकार विवादास्पद भूमि सुधार बिल पास करवाने में कामयाब रही है, और विधानसभा में पहले ही संशोधन बिल पास हो गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि किसानों की पार्टी JDS ने भी इसका समर्थन किया। अब उद्योगपति और व्यापारी किसानों से सीधे जमीन खरीद पाएंगे। तो कर्नाटक में पहले भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ और फिर APMC कानून में बदलाव को मंजूरी मिल गई। अब एक तरफ कारोबारी किसान की जमीन सीधे खरीद पाएंगे, और दूसरी तरफ किसान सरकारी मंडियों से बाहर अपना अनाज बेच सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद किसान और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं, क्यों, देखिए रिपोर्ट। बेंगलुरु शहर के बीचों बीच यशवंतपुर की इस सरकारी मंडी में काम कर रहे कुली से लेकर कारोबारी तक अंदेशे में कि कहीं नए APMC कानून से ये यार्ड बंद तो नहीं हो जाएगा। इस मंडी में 3,000 कुलियों सहित लगभग 5,000 लोग काम करते हैं। और जैसे मैंने बताया, बिहार में APMC है नहीं, फिर भी काम चल रहा है वहाँ पे। मंडी खत्म होने से पैक्स हो गया, या जो भी है धान खरीदता है वो 1,800 रुपये है। हम बासमती चावल धान उपजा करके 1,800 रुपये धान बेचेंगे तो फिर हमको फायदा क्या होगा, इसलिए हम लोग बेकार हो गए हैं। धान मेरा बेकार हो रहा है। मंडी में हम लोग चावल ले जाते थे, तरह तरह के सेठ साहूकार आते थे, हमारा चावल अच्छा था देख करके क्वालिटी के अनुसार खरीद लेते थे। फसल जो हो गया तो गृहस्थ को जब माल मनी दे करके बचेगी 3 सालों, अपना बाल बच्चे खाएंगे, सुखाड़ हो जाएगा तो हम लोग का दिक्कत हो गया, और बाढ़ भी आ गया, गलकी आ गया, तो हम लोग का कोई लाभ नहीं हुआ, हमको पूंजी भी चला गया। इसलिए हम लोग करते हैं
मनी बटैया तो अपना बच गया तो गरीब लोग खाते हैं, सालों ये में खटते हैं बाले बच्चे। हम लोग का फैक्स से मंडी से तो कोई जरूरत नहीं है। दिक्कत ये हो गई है कि अभी सरकार की ऐसी कोई संस्था पंचायत में या अंचल में नहीं है कि जो जब किसान जाए अपना अनाज लेकर के तब समर्थन मूल्य पर उसका अनाज खरीद ले। ये सबसे बड़ी समस्या। जब मंडी था और उस मंडी के व्यवस्था में किसानों के प्रतिनिधि चुनाव से जाते थे तो उनका भाव उचित मिल पाता था, वो दबाव बनाते थे किसान पर गवर्नमेंट पर और सही दाम मिल पाता था। अब उसके बदले मंडी समाप्त करके आई पैक्स का जो व्यवस्था हुआ, पैक्स में किसानों के उत्पादन के हम अधिक से अधिक आपको बता रहे हैं कि 40% 30-40% खरीद पाते हैं, तो जो बचता है वो बाज़ार में या बिचौलिए किसानों के मनमाने ढंग पर लेके मजबूर कर रहे हैं बेचने के लिए। महाराष्ट्र में एपीएमसी तो है, उसके साथ में गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्राइवेट प्लेस बना के दिया है। जैसे प्राइवेट मार्केट है, टोटल 18 प्राइवेट मार्केट है जहाँ पे फार्मर्स अपने जो वेजिटेबल्स है वो बेच सकता है, खरीद सकता है। और डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस बना के दिया गया है जहाँ पे फार्मर जो है डायरेक्ट परचेज कर सकते, कोई भी चीज़ जो है लोग परचेज कर सकते हैं फार्मर से डायरेक्ट, वहाँ पे बेच सकता है वो। तो एक लाइसेंस दिया गया, डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस जिसे कहते हैं। अगर आपको मौका मिले तो शहर में जाके सब्जी बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? मौका मिले तो जा सकते हैं, लेकिन उधर का भाड़ा भी ज्यादा होगा ना, तो हम इधर ही बेचने अच्छे लगते हैं। आपको मालूम है इस बारे में कि सरकार ने आपको मंडी के बाहर बेचने की अनुमति दे दी है? दे दी, लेकिन कोई बिठा के नहीं देता हमको। अगर आपको इधर बाहर बैठेंगे तो नहीं बिठा के देंगे, लोग बोलेंगे यहाँ से उठो, ये बिकने की जगह नहीं। बाहर मार्केट रही तो ना, तो इसका क्या करेंगे? अगर खेती वाला बोले तो हर जगह पे जाके नहीं बेच सकते वो। शहर में जाने को खर्चा बढ़ जाता है, बाजार भाव अच्छे नहीं मिलते, इसलिए हम शहर में नहीं जाते। मंडी के अलावा आपके पास सब्जी बेचने के और कौन कौन सी जगहें हैं, आप कहाँ कहाँ सब्जी बेचते हैं? नहीं इधर बेचते हैं। नहीं किसान को नहीं क्या ऐसा बाहर नहीं क्या बेचना देना चाहिए? बेचने दे रहे हैं? हाँ नहीं नहीं बेचने दे रहे, अगर बेचेंगे ना तो सही बाजार मिलेगा ना। क्यों नहीं पसंद करेंगे कि हम उधर बेचने को गया तो हमारा उधर भाव नहीं मिलती और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है, और इधर हम बिकते हैं तो हमारा जो भाव चाहिए वो मिलता है। तो अगर शहर में आपको बेचने का मौका मिले सीधे कस्टमर को, तो वो आप बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे? क्या सरकार की तरफ से क्या मदद चाहिए? और ज़्यादा मिलेगा तो बेचने का, नहीं मिलेगा तो एक बार जाएंगे वापस नहीं जाएंगे। एक तो उनको एक प्राइवेटली जगह दे दो जहाँ पे पूरा खेती वाले डायरेक्ट ही बेचेंगे माल, पूरा डायरेक्ट बेचेंगे माल, लेकिन वहाँ पे उनको एक रिकॉर्ड होना चाहिए और उनको एक पता होना चाहिए कि ये चीज़ कौन से भाव में बेचने की है, अपने आज कौन से भाव में बेचने की, कल कौन से भाव में बेचने की। पुण्यातील शेतकरी सरकारच्या निर्णयाने आनंदी झालेले आहेत, त्यांनी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलेलं आहे। पुण्याच्या मार्केट यार्डमध्ये शेतकरी आपला माल घेऊन दाखल झाले, त्याचबरोबर शेतकरी आपला माल स्वतः विकताना देखील पाहायला मिळाले। या सगळ्या प्रकारावरती पुण्यातल्या शेतकऱ्यांच्या नक्की काय प्रतिक्रिया आहेत त्याही आपण पाहूयात। कोण द्यायचं तुम्ही? करामीच देत होतो ना पहिल्यांदा, आता सरकारने हा निर्णय घेतला। सरकारने निर्णय घेतला चांगला आहे जिथं सहकाराबद्दल, पण आता आम्ही स्वतः माल विकतोय आणि बाजार भाव सुद्धा चांगली तफावत आहे त्याची। आता 6-8% जो कर जो देत होतो आपण, तो कर आता व्यापाऱ्यांकडे जातो ना, हा तो शेतकऱ्यांचा फायदाच आहे ना, शेतकऱ्यांना फायदा झाला या गोष्टीचा। अगर हम देखेंगे 2019 तक पूरे देश में 6000 APMCs है, नियर अबाउट 6000 प्लस APMC है, और कुछ APMC को ऑनलाइन भी कर दिया सरकार ने, ये कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ई नाम करके नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसमें प्रोडक्ट्स जो है दाल है, चावल है, मराठी में जैसे तांदूल कहा जाता है, ठीक है, गेहूँ है,
उसके जो रेट्स हैं प्रति क्विंटल कितना रहेगा वो वेबसाइट पे दिखा जाता है। तो फार्मर्स इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए कि क्या है। तो ऑनलाइन कर दिया जा रहा है, जैसे धीरे धीरे हम डिजिटल होते जा रहे हैं वैसे ही। अगर हम की बात करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, तो मेरिट्स में अगर हम देखो तो फार्मर्स को क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है एपीएमसी ये फिर इस एक्ट से, वो बिजनेस टू बिजनेस काम कर सकते हैं या फिर बिजनेस टू कस्टमर बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। मतलब एक एप्लीकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं ऐप, जैसे हम अमेजोन से कोई ग्रॉसरीज खरीदते हैं तो वैसे हम फार्मर से डायरेक्ट खरीद सकते हैं जैसे हमको कोई नीड होगा। कोई इंडस्ट्री भी डायरेक्ट फार्मर से कॉन्टैक्ट कर सकती है, ठीक है। इंटर स्टेट अगर हम बात करेंगे तो जैसे कोई एक फार्मर है बिहार का या फिर केरला का, वो कर्नाटक में अपने चीज़ों को बेच सकता है अगर उसको वहाँ पे अच्छी दाम मिल रही है। तो इससे एक बेटर कंपटीशन होगा, अच्छी क्वालिटी सामने आएगी निकल के, और इससे एक इनोवेशंस का फ़ायदा मिलेगा। जैसे फार्मर्स हैं उनके जो बच्चे हैं आजकल ऐप्स वगैरह बहुत सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, खेती को और स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, प्रोडक्ट को और कैसे अच्छा बना सकते हैं उस पर वो काम हो सकता है। तो एक बेटर इम्प्रूवमेंट होगा फार्मिंग के नज़रिए से, तो एक फ्यूचर ऑप्शन अच्छा होगा अगर हम बात करते हैं। और साथ में इसको एक ऑनलाइन सेलिंग का प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है। तो ये हो गए इसके मेरिट्स के बारे में। अगर हम इस बिल की डीमेरिट्स की बात करें तो फार्मर्स क्या कहते हैं कि सरकार जो बिल लेके आई इससे एपीएमसी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एपीएमसी ख़त्म हो जाएगा तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन फार्मर्स क्या कह रहे हैं, लिखा नहीं है ठीक है, लेकिन आप हमको लिख के दे दो। फार्मर्स क्या कह रहे हैं सरकार से कि आपको लिख के देना पड़ेगा कि एपीएमसी ख़त्म नहीं होगा, एपीएमसी भी रहेगा, और जो आप कर रहे हैं कि फार्मर्स बाहर भी बेच सकते हैं लेकिन टैक्स फ्री उनको कर दिया जा रहा है, तो आपको एपीएमसी में भी टैक्स फ्री करना पड़ेगा, या फिर जो प्रोडक्ट फार्मर बाहर बेच रहा है उन पे भी टैक्स लगाओ तो एपीएमसी में भी टैक्स रहेगा। अगर बाहर आप टैक्स से फ्री कर रहे हो तो अंदर भी जो एपीएमसी है वहाँ पे भी टैक्स हटा दो। तो ये जो चीज़ें हैं अगर हम सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा लिख के दे देना चाहिए या फिर अश्योरिटी देना चाहिए, लेकिन एक्ट में ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि एपीएमसी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो फार्मर्स हैं उनको अश्योरिटी चाहिए कि एपीएमसी ख़त्म नहीं होगा। अगर हम सेकंड बात करते हैं कि इसमें जो ज्यूडिशियल सपोर्ट है वो प्रॉपर है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था तीन स्टेजेस में अगर कोई डिस्प्यूट होता है फार्मर्स और दूसरों के बीच में, जो इंडस्ट्री या फिर जो खरीद रहा है फार्मर्स हैं, तो वो एसडीएम के पास जा सकता है, ठीक है। फिर एसडीएम उसमें हस्तक्षेप करेगा और 30 दिनों के अंदर वो जो भी अपना सेटलमेंट दे देगा, एंड अगर उससे बात नहीं सुलझी तो कलेक्टर के पास जा सकता है और वहाँ पे वो मामला जो है सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको यहाँ पे इंटरफेयर नहीं किया गया है। तो एक नया जो फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं उसे एक अलग से प्रावधान में दे देना चाहिए कि जो भी फार्मर्स के इश्यू है वो इस कोर्ट में सॉल्व होंगे या फिर यहाँ पे वो लेके आ सकते हैं, और कम टाइम के अंदर फार्मर्स को इतना खर्चा, इतना टाइम का वेस्टेज, वकील करना, कोर्ट का खर्चा, ये सब ना हो करके छोटा सा एक अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देना चाहिए जहाँ पे फार्मर्स को भी अश्योरिटी मिले कि मेरी जीत हो सकती है, मतलब मैं उसको अच्छे तरीके से लड़ सकता हूँ। एंड थर्ड जो है, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन इन द सेंस जैसे एपीएमसी में लाइसेंस दिया जाता था एजेंट को, यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कोई। मतलब जिसके पास अगर एक सिंपल पैन कार्ड हो तो वो भी पैन कार्ड दिखा के फार्मर से खरीद सकता है। तो इससे क्या है, फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत सारे आ सकते हैं कि अगर हम देखेंगे पैन कार्ड एक एक ही आदमी के पास 3-4 पैन कार्ड होते हैं। तो इसमें जो डीमेरिट ये दिखा जा रहा है कि एपीएमसी को लेके, तो फार्मर्स ये कह रहे हैं कि एपीएमसी की श्योरिटी होना चाहिए और एपीएमसी रहना चाहिए, इसे ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि एपीएमसी में बहुत सारे लोग जो है माल को लोड कराते हैं, अनलोड कराते हैं, उन बहुत सारे लोगों का यहाँ से रोजगार जुड़ा हुआ है। तो एपीएमसी अगर एक दिन में ख़त्म कर देंगे तो उन लोगों का क्या होगा। धीरे ये सब सोचना चाहिए सरकार को, क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये जो एक्ट है एकदम से ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि पूरे एक्ट को ख़त्म कर दो और एक नया एक्ट बनाओ या फिर इसको पूरा वापस ले लो सरकार, तो इसी एक्ट की वजह से हमें समझ में आ रहा है कि फार्मर्स के इश्यू क्या है, मंडियाँ क्या होती है, एमएसपी क्या होता है, कैसे चीज़ें बेचा जाती है, एजेंट क्या होते हैं, मिडल मैन कौन होता है। तो बहुत सारे लोगों का इससे रोज़गार जुड़ा हुआ है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के सरकार को एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन देना चाहिए। तो ये मैं पार्ट वन यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्ट टू और एक्ट थ्री के बारे में, और साथ में हम और भी चीज़ों को देखेंगे, ग्रीन रिवोल्यूशन, पहले के जो रिफॉर्म्स थे, फिर फार्मर्स जो हैं सिर्फ पंजाब और हरियाणा में क्यों इसका विरोध हो रहा है, बाकी राज्यों से क्यों नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में, ठीक है। थैंक यू।